मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लोको पायलट और टेक्नीशियन का वीडियो कोचिंग के बारे में, जो मेरा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम आपको इसका CBT सेकेंड एग्जाम जो होगा, इस CBT सेकेंड एग्जाम के लिए आपको वीडियो कोचिंग में देखिए क्या सब मिलेगा। तो आपको ये सब सब्जेक्ट मिलेगा जो कि CBT सेकेंड का फुल सिलेबस आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, GK, करंट अफेयर्स, बेसिक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको पेपर फर्स्ट में आएगा और सेकंड पेपर जो आपका आएगा वो है ट्रेड, आपके ट्रेड या फिर ब्रांच से आएगा। तो इसमें देखिए इतना सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यानी कम से कम 8 बुक को आपको खत्म करना है। और इसके लिए आपके पास समय बहुत ही कम है। अब देखिए आपके पास कितना समय हो सकता है, हाँ पता है इसका संभावित डेट कब होगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम जो है 15 दिसंबर के आसपास खत्म हो रही है, उसके बाद स्टार्ट होगी RPF SI का एग्जाम, उसके बाद आपको ALP CBT सेकंड का एग्जाम लेगा। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकला है ALP का फर्स्ट का, तो इसमें भी कुछ लफड़ा चला है स्टूडेंट के बीच और रेलवे भर्ती बोर्ड के बीच। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि एक तो क्वेश्चन बहुत भारी पूछा गया था, और जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट थे वो 40 और 60%, यानी बोल सकते हैं 50% के आसपास उसी उसका नंबर आया, यानी कि 75 नंबर में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी टॉपर थे उनका जो नंबर है वो ऐसा मान लीजिए कि वो 30 और 40 के बीच ही निपट के रह गए हैं, और जो सुपर टॉपर थे उसका नंबर 40 से 50 के बीच आया है। तो अब जो भी नंबर, जो भी स्टूडेंट का नंबर जो है 30 और 40 के बीच है या फिर 30 नंबर से ऊपर है, वो सब लोगों का बिल्कुल कन्फर्म रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे अभी जिन लोगों का 30 है उन लोगों का जो है कि 5-6 नंबर जो है प्रत्येक स्टूडेंट का कम से कम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड जो एग्ज़ाम में वो कम से कम 5 से लेकर 20-22 नंबर तक वो आंसर गलत किया है। इसलिए वो जो भी स्टूडेंट का इस तरह से हुआ है वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो अपना रिजल्ट निकालेगी स्टूडेंट का, वो अपना सुधार करने के बाद। तो इतना बड़ा देश, 48 लाख स्टूडेंट को हैंडल करना RRB के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो रही है। चलिए उस बात को छोड़िए, है जो भी लोगों का रिजल्ट जो 50% नंबर या 40% नंबर से ऊपर जा रहे हैं, और तो वो लोग अपना रिजल्ट का उम्मीद रख सकते हैं। और इसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू करना, अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको जो मिलेगा मैथमेटिक्स का 31 चैप्टर, वीडियो का कोच, वीडियो कोचिंग और लिंक, वीडियो लिंक और इसका PDF नोट्स, जो कि आपको 31 चैप्टर मिलेगा स्पेशली फॉर रेलवे। आपको रीजनिंग मिलेगा, फिर साइंस मिलेगा, करंट अफेयर्स, सबका प्रोसेस ये रहेगा। आपके आपके व्हाट्सएप पे वीडियो का लिंक, आपके व्हाट्सएप को हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे, और उस ग्रुप में हम डेली आपके क्लास के लिए जो भी चीज़ चाहिए, वीडियो लेक्चर का लिंक और नोट्स सब कुछ वहाँ पे PDF फाइल में और वीडियो के लिंक के रूप में वहाँ पे हम अपलोड करते रहेंगे। उसको आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं, उसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे अपनी तैयारी को दीजिए एक नई ऊंचाई, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा का एक वीडियो आप पूरा मैथमेटिक्स का एक चैप्टर बना सकते हैं। और मेरा जो तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक पे पूरा चैप्टर, और यही ट्रिक आपको सीखना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक जिसके दम पे पूरा चैप्टर हम आपको कैसे बना के बताते हैं, वही चीज़ एक चीज़ का बिल्कुल लाइव आप सीखिएगा। और तो फिर इस वीडियो में बस यही था, आपको बस 2500 पेमेंट करना है, 2500 रुपये आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको ये सब सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर और नोट्स मिल जाएगा, और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा। और फुल जानकारी के लिए आप जो वहाँ जो नंबर है 8620038 5724 इस नंबर के व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसका DP चेक कीजिए, आपको वहाँ से फुल जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग को इस तरह का वीडियो कोचिंग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ से इंटरेस्टेड हो सके, और ALP में जिस तरह से हम बने ALP उस तरह से वो भी कोई भी स्टूडेंट बन सकता है, इसको बनना बहुत ही आसान होगा। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होगा वो देखिए ये होगा मैथ, रीजनिंग, साइंस, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जान ही रहा, लेकिन अनजान सब्जेक्ट देखिए जो हो रहा है वो देखिए बेसिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड या फिर ब्रांच। हमने खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, इसलिए हमको ये सब चीज़ पे बिल्कुल अच्छी पकड़ है, और यही सब चीज़ के दम पे हम ALP 2014 फाइट किए थे।
तो बस आप वीडियो कॉचिंग लीजिए, आपको सबका लेक्चर मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है ALP का सेकंड का जो संभावित जो डेट हमको दिख रहा है वो हमको दिख रहा है वो जनवरी के बाद दिख रहा है, फरवरी के आसपास, क्योंकि जो भी सेंटर पहले था वही सेंटर में एग्ज़ाम हो रही। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद RPF SI का एग्ज़ाम चलेगा, वो भी करीब करीब 1.5 महीना तो कम से कम ले ही लेगा। तो वो जनवरी लास्ट तक चलेगा, उसके बाद जो बारी आती है वो ALP CBT सेकंड की बारी आती है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं आपके पास समय है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, करीब आपके पास 4.5 महीने का समय है। और इस 4.5 महीने में आपको ये सब सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट निकलेगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा समय आपका निकल जाएगा और ये सब चीज़ें आपके कवर नहीं हो पाएगी। और ये बेसिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड का जो चैप्टर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड का जो है, ये ट्रेड वाला जो है इसमें आपको इसका पेपर अलग से लेगा, तो इसमें कोई और सब्जेक्ट तो आएगा नहीं जो कि आप मैनेज कर सकते। जैसे कि आपको रीजनिंग नहीं आती है तो मैथ और साइंस से मैनेज कर सकते, लेकिन आपको ट्रेड में से तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो पेपर आएगा 75 मार्क्स का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड से ही आएगा, आपने जो भी सेलेक्ट किया उस ट्रेड से। तो इसको तैयार करना, टेक्निकल का वीडियो कोचिंग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी ही हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक साइंस प्लस टेक्निकल का वीडियो कोचिंग लेते हो वो आपको आएगा 1,000 रुपये का, वैसे आपको ALP का फुल वीडियो कोचिंग आपको आएगा 2,500 रुपये, जिसमें आपको ये सब सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी। तो आपको जो भी चाहिए तो आप उस नंबर के कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा बहुत ही जल्द एक वेबसाइट भी आ रही है, तो उस पर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।